जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो साथी कल के वीडियो को देखे हैं, दैट मीन बच्चों कह सकते हो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य देखे हैं, उनको तो बच्चों पता होगा कि ये वीडियो आज का उसी का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि बच्चों उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुल मिलाकर 37 प्रश्न डिस्कस किए थे। बाकी प्रश्न बच्चों हम लोग ने कहा था कल, यानी बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो प्रश्न आपके सामने हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे बच्चों एसएससी के हो, रेलवे के हो, किसी ना किसी एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है साथ ही, और आने के भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली बच्चों अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है साथी, ये पूछ रखा है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बच्चों वो कब समाविष्ट किए गए थे। तो साथी आप सभी को पता होगा मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। कब बच्चों? 1976 ईस्वी में। किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसा? ऑप्शन नंबर आपका बच्चों डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथ ही, यानी प्रश्न नंबर आपका 39 क्या पूछ रखा है, ये पूछा है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि किसी मतलब अगर कोई संविधान में कुछ एडिट हो रहा है या फिर किसी संशोधन के द्वारा, तो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसमें पूछ रखा है कि जो मौलिक कर्तव्य था ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आप सभी को पता होगा बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथ ही, आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है। क्या बच्चों? ऑप्शन देखते हैं, उन उदार आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था, क्या यह शामिल है बच्चों, या फिर आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य शामिल है, या फिर लोगों को भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य शामिल है, या फिर साथ ही उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य शामिल है जिसकी टिकट किसी से चुनाव लड़ा हो, मतलब जिसकी टिकट पर किसी से चुनाव लड़ा हो। तो साथ ही किसके मतलब अध्याय में ये मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो आपके सामने ऑप्शन से आप देख सकते हो। आप सभी को पता होगा बच्चों उदार आदर्शों को संजोने के लिए और उसके जो कर्तव्य होते हैं बच्चों जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया उसके लिए ये शामिल किया जाता है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों, यहाँ से क्या पूछ रखा है, ये पूछा है भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी है। ऐसा कौन सा भाग के रूप में बच्चों मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो किस भाग में जोड़ा गया है साथ ही? सिंपल सा प्रश्न है, चार भाग में, भाग चार में ये सम्मिलित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी ए में चार दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो साथ ही कुल मिलाकर जो मौलिक कर्तव्य है बच्चों वो भारतीय संविधान में जो शामिल है उनके बारे में आपको बताना है, कुल मिलाकर उनकी संख्या बच्चों 11 है, तो आप सब ऑप्शन नंबर सी को पिकअप करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 43 साथ ही आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है भारतीय जो संविधान है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से हर एक अनुच्छेद को आप देखो और बताओ इसमें से कौन सा अनुच्छेद बच्चों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो अगर बात करें बच्चों आपका जो आर्टिकल 51 का है या आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 44 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है बच्चों वो निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। जो मौलिक अधिकार है, सॉरी बच्चों कर्तव्य नहीं, तो मौलिक अधिकारों को जो भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है वो आप सभी को पता होगा बच्चों उच्च न्यायालय को भी सौंपी गई है और उच्चतम न्यायालय को भी सौंपी गई है। कहने के मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में कह रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, प्रश्न नंबर आपका 45 क्या पूछ रखा है, ये आप सबसे पूछ रखा है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित नहीं किया जा सकता है साथी, या फिर निलंबित किया जा सकता है, या फिर बच्चों किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर बच्चों उपारी निर्देशित कुछ भी सही नहीं है। तो बच्चों दैट मीन इसका ऑप्शन नंबर डी का मतलब है जो ऊपर दिए गए निर्देश है इनमें से कुछ सही नहीं है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार बच्चों निलंबित किया जा सकता है, दैट मीन बच्चों इसके लिए भी प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप पिकअप करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर बच्चों 46 क्या पूछ रखा है, ये आपसे साथ ही पूछ रखा है मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं किसके द्वारा, राज्यपाल के, या फिर राष्ट्रपति के, या फिर बच्चों विधि मंत्री के, या फिर प्रधानमंत्री के। जो बच्चों मौलिक अधिकार है, कहने का अर्थ है बच्चों आपका जो फंडामेंटल राइट है
वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है, ऐसा आपका आर्टिकल बच्चों 352 में, मतलब आपातकालीन स्थिति में, या आर्टिकल 352 में बच्चों संसद में इसका जिक्र है कि ये राष्ट्रपति इसके तहत मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है साथी, ये आपसे पूछ रहा है भारतीय, मतलब पूछ रखा है भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनका निलंबन कब हो सकता है? क्या बच्चों राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान हो सकता है, या फिर वित्तीय आपातकालीन के दौरान, या कभी भी, या फिर बच्चों किसी भी दशा में? तो साथ ही अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो बच्चों मौलिक अधिकार होते हैं वो अगर केवल बच्चों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तभी निलंबन उनका हो सकता है। दैट मीन बच्चों अगर देश की सुरक्षा, या फिर कह सकते हो बच्चों किसी भी स्थिति में जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसी के दौरान केवल आपका मूल अधिकार रद्द किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 48 क्या पूछा है, ये पूछ रखा है मौलिक अधिकारों को, सॉरी, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो सीधा सीधा बच्चों आपके ऑप्शन मंत्री परिषद दे रखा है, संसद दे रखा है, जनता दे रखा है, और मंत्रिमंडल दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो मौलिक अधिकार होता है उस पर प्रतिबंध केवल से केवल आपका कौन लगा सकता है साथी, आपका केवल केवल आपका जो प्रतिबंध है वो संसद लगा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी में संसद दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? बच्चों समता का अधिकार का जो प्रावधान है वो आपके किस आर्टिकल में है? बच्चों वो आपके आर्टिकल 14 में दे रखा है, तो 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी आपके सामने क्या पूछ रखा है, या पूछ रखा है नागरिकों और विदेशियों को दोनों को ये अधिकार प्राप्त है वो कौन सा है? क्या बच्चों राजनीतिक अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, या फिर मौलिक बच्चों, या फिर सिविल, या फिर विधिक? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को बता रहे हैं बच्चों ऐसा कौन सा अधिकार है जो विदेशी और नागरिकों को और भारत के नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो आप सभी जानते हो बच्चों विधिक अधिकार प्राप्त है, तो विधिक अधिकार आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों, सॉरी, मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऐसा कौन सा बच्चों इसमें से अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए अधिकार है? क्या जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों? स्वतंत्रता और जीवन बच्चों ये सबको प्राप्त होगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की बात है, सबको प्राप्त होगा। अगर समानता की बात करें बच्चों ये भी सबको प्राप्त है, जबकि आप सभी को पता होगा साथी कि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको बच्चों निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो बच्चों उनका निवारक नजरबंदी अधिनियम होता है उसके द्वारा मौलिक अधिकारों में किसको नियंत्रण में रखा जाता है? क्या धर्म के अधिकार को बच्चों, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार का, या फिर बच्चों समानता के अधिकार को? साथ ही जो भी इसका आंसर जानते होंगे वो अपने लाइव चैट, सॉरी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी, जिसको नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित करते हैं वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो किस ऑप्शन में ऐसा साथी, आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुटेबल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछा है निम्न में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? क्या बच्चों विधि के समक्ष समानता, या फिर विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, या फिर समान अवसर बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा साथी जो विधि द्वारा शासन का सिद्धांत है उसका जो बच्चों विपरीत है वो आपका इनमें से क्या है बच्चों, वो आपका हो जाएगा बच्चों विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। तो किस ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है क्या? क्या बच्चों कानूनों की समान सुरक्षा होगी, या फिर कानून के सामने समता का अधिकार देता है, या फिर आर्थिक संसाधनों के समान वितरण देता है, या फिर कानून के सामने समानता का, या फिर कानून के समान की सुरक्षा का अधिकार देता है? तो जो बच्चों आर्टिकल 14 है वो किस चीज की गारंटी देता है, यही आपसे प्रश्न पूछा है बच्चों, वो किसकी गारंटी देता है बच्चों, कानून के सामने समानता और उनकी बच्चों समान की सुरक्षा की। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथ ही, अपना आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है बच्चों वो कुल मिलाकर बच्चों आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं प्रदान करता है, मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता बच्चों वो प्रदान करता है। तो किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। वो क्या क्या बच्चों, वाक स्वतंत्र, दैट मीन वाक की मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब या फिर सभा की स्वतंत्रता प्रदान करता है, या फिर बच्चों संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बच्चों, भारत में राज्य क्षेत्र में आप सर्वत्र आबाद वितरण की स्वतंत्रता आपको प्रवाद मतलब देता है, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है, या फिर बच्चों वृत्ति उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता देता है। ये कुल मिलाकर बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछा है बच्चों शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। बच्चों जो चौथी सत्ता है इसका जो प्रयोग है बच्चों ये किसके लिए होता है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों प्रेस और समाचार पत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में प्रेस और समाचार पत्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथ ही, यानी प्रश्न नंबर आपका 57 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि जो चतुर संपदा यानी बच्चों फोर्थ स्टेट है ये किसको निर्देशित करती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों जो चतुर संपदा है ये निर्देशित करती है बच्चों आपके समाचार पत्र को। तो ऑप्शन नंबर सी में समाचार पत्र दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 59 क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। जो अल्पसंख्यक है बच्चों इनके जो हित की सुरक्षा है इनका जिक्रण किस अनुच्छेद में है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों इनका जो जिक्रण है वो आपका बच्चों किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 29 में, किसमें बच्चों अनुच्छेद 29 में, इसके खंड पहले और दूसरे में जो अल्पसंख्यक है बच्चों इनके हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है, प्रावधान किया गया है, तो आपका आर्टिकल बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर बच्चों आपका 60 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है साथी आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जो दैट बच्चों अस्पृश्यता क्या होती है छुआछूत का उन्मूलन करता है, छुआछूत का बच्चों जो उन्मूलन है वो आपका कौन सा आर्टिकल करता है, बच्चों आर्टिकल 17 करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल 17 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो साथी आपके सामने है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, क्या बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, या फिर कानून के सामने समता का अधिकार, या फिर जीवन का अधिकार। साथी राजनीतिक अधिकार सीधा सीधा आपको इसमें नजर आ रहा होगा, तो कौन है बच्चों आपका, आपका बच्चों चुनाव लड़ने का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 62 देखते हैं बच्चों, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रखा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, क्या बच्चों समता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, फिर शोषण के प्रति अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, या फिर बच्चों हड़ताल का अधिकार, या फिर बच्चों धर्म का अधिकार। तो आप सभी को पता होगा बच्चों दिए गए ऑप्शन में से जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है वो आपका केवल बच्चों हड़ताल का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हड़ताल का अधिकार बच्चों मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथ ही, ये पूछ रखा है कि जो कतिपय मौलिक अधिकार बच्चों नहीं दिए जाते हैं, तो साथ ही आप बताओ जो मौलिक अधिकार हैं किसको नहीं दिए जाते हैं, क्या बच्चों दिवालिया व्यक्तियों को, या फिर विदेशियों को, या फिर असाध्य रोगों के ग्रस्त व्यक्तियों को, या फिर बच्चों राजनीतिक पीड़ितों को। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों जो मौलिक अधिकार है ये फिर देश के ही लोगों को दिया जाता है, कहने का अर्थ है बच्चों विदेशियों को नहीं दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी बच्चों 64 नंबर, ये आपसे कह रखा है बच्चों कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, बच्चों इनमें से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, बच्चों क्या शासन का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार, या फिर बच्चों समानता का अधिकार। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों समानता का अधिकार होगा, क्योंकि बच्चों ये भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 65 क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आप सभी साथी इसका आंसर जानते ही होंगे इनमें से मूल अधिकार कौन सा नहीं है, इनमें से बच्चों अगर बात करें तो जो बच्चों सूचना का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर साथी किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार बच्चों ये सब मूल अधिकार होते हैं। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये साथ ही आपको पूछ रखा है वो भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं, जो बच्चों भारत का मूल अधिकार है इन मतलब दिए गए ऑप्शंस में से किस अधिकार के माध्यम से ये सुनिश्चित होते हैं, क्या बच्चों समानता के अधिकार से, या फिर बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, या फिर बच्चों शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार से। तो साथ ही इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आपको सभी को पता होगा जो आर्टिकल 32 है उसी के तहत बच्चों सभी जो मूल अधिकार हैं उसको बच्चों सुनिश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऐसा, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। ठीक, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये कह रखा है मत देने का अधिकार होता है क्या बच्चों, राजनीतिक या फिर नागरिक या फिर आर्थिक या फिर कानूनी? बच्चों ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपका राजनीतिक अधिकार होगा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 68 जो आपका साथी, ये क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो बच्चों ये क्या मानवाधिकार से संबंधित है या फिर नागरिक अधिकार या फिर प्राकृतिक या फिर राजनीतिक? तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, ये आपका क्या पूछा है, ये पूछ रखा है निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो आप सभी को बच्चों सीधा सीधा कई बार मैंने कहा बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा मतदान देने का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70 आपका क्या पूछा है साथी, ये आज का आखिरी प्रश्न है, ये आपसे पूछ रखा है मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चों मूल अधिकारों से संबंधित मामला इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है, तो आप सभी बताएं। क्या बच्चों वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 है, या फिर पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ है, या फिर राम वारिस शर्मा बनाम कृष्ण है बच्चों, या फिर मुंबई राज्य बनाम बलसारा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों जो बच्चों गोलकनाथ बच्चों बनाम पंजाब राज्य का मामला था, ये मूल अधिकारों से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ऐसा साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।